देखो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आया हूँ, कोल्ड सैंडविच, जो कि हर किसी के लिए बनाना बहुत इजी है और क्विकली तैयार हो जाता है। इसके लिए हमें ब्रेड चाहिए, ये मायनीस और ऑलिव अगर आप डालना चाहते हैं तो इसमें डाल सकते हैं, ग्रीन ऑलिव या ब्लैक ऑलिव। ये चिकन हमने बॉयल किया हुआ है और ये कॉर्सला वेजी हमने काट के रखी हुई है, इसको हम बताएंगे आपको कि किस तरह से मिक्स करते हैं। ये कैरेट है और ये बंद गोभी है, तो इसका हम कॉर्सला बनाएंगे और सैंडविच बनाएंगे। आइए हम शुरू करते हैं सैंडविच। हम ये कॉर्सला तैयार करने लगे हैं, कॉर्सला सैलड। इसके लिए हमने बंद गोभी और गाजर ले लिया, इसमें हम थोड़ी सी आइसिंग शुगर डालेंगे। ये आइसिंग शुगर आ गई, ये मायनीज क्रीम आ गई, अब क्रीम डाल दी हमने। हल्का सा 1 पिंच साल्ट इसमें डाला हमने। हमने चिकन चॉप कर लिया और ये ऑलिव भी हमने चॉप कर लिए हैं, ये मायनीज भी आ गई हमारी। हम अब इस सैंडविच की हम ये मिक्सर तैयार करेंगे, कोल्ड सैंडविच का चिकन चॉप, इसके अंदर मायनीज, ये अभी हमारे ग्रीन और ब्लैक ऑलिव, हमने क्रीम डालनी है इसके अंदर। इसमें अब सॉल्ट डालना 1 पिंच, ये ब्लैक पेपर मिक्स कर लिया हमने इसको। ये कोल्ड का जो है मिक्सचर तैयार हो चुका है सैंडविच के लिए। ये बच्चों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो बच्चों को इस तरह आप अगर बना के देंगे, उम्मीद करता हूँ कि वो बड़ी खुशी खुशी खाएंगे और उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये आप ज़रूर बना के दिया करें बच्चों को। ये हमने अब मायनीज लगाना ब्रेड के ऊपर, ये हमने जो मिक्सचर तैयार किया वो हमने इसके ऊपर डाल दिया। इसके ऊपर आप थोड़े से कुकम्बर लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो। इसको कट कर लें, सैंडविच तैयार हो चुका है। ये हमने इस पर गार्निश कर दिए, अब हम इसमें कॉर्सला भी रखेंगे। ये कॉर्सला भी आ गया हमारे सैलड में, सैलड की जगह में। ये हमारा कॉर्सला तैयार हो चुका है, इसमें हमने किशमिश भी डालना है और ये हमारा जी बिल्कुल सैंडविच रेडी है और क्विक सर्विस है इसकी, बड़ी जल्दी ये रेडी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये आप वैसे तो और भी बहुत सी चीज़ें डाल सकती हैं, लेकिन ये मैंने सबसे इजी बताया आपको ताकि जल्दी से आप बना सकें। तो आपके पास टाइम भी शॉर्ट होता है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, तो उस टाइम पे ये बहुत इजीली बन सकता है। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तो अल्लाह हाफिज़।